सुल्ताना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा पहुंचे हैं सेक्टर 12। बीते कुछ दिनों में नूह और मेवात में जो हिंसा हुई थी उसने अब एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। नूह, मेवात, पलवल, पलवल के बाद अब फरीदाबाद में भी इस हिंसा का असर देखने को मिला है, जिसको लेकर पूरी तरह से फरीदाबाद में सुरक्षा बल तैनात कर दी है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए हैं ताकि किसी तरह का कोई दंगा, कोई हिंसा देखने को ना मिले। यदि कुछ इस तरह की हिंसा या कोई दंगा होती है तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। तस्वीरों में आप तमाम तैनात अभी मीटिंग हुई है डीसी के साथ, क्या मीटिंग थी, क्या पूरा पूछा? बेटा मैं महंत मुरली राय बोल रहा हूँ जी। आज जो नूह की घटना हुई है जी, तो उससे सारे हरियाणा में एक बहुत ज़्यादा आक्रोश है जी। हिंदू धर्म के प्रति जो एक विश्वासघात एक पक्षी हुआ है, तो हिंदू का युवा इसमें आक्रोश है जी। इसलिए डीसी साहब ने अपने फरीदाबाद शहर में जी किसी प्रकार की अशांति ना हो जी, कोई अराजकता ना हो, किसी प्रकार से कोई आग ना भड़के, इसलिए सभी धार्मिक सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को बुला करके एक आग्रह किया, निवेदन किया है, आप किसी प्रकार से भी अशांति ना फैलने दें। अगर कहीं अशांति फैलाता हुआ कोई अराजक व्यक्ति मिलता है तो आप उसको कंट्रोल करें, सूचित करें, क्योंकि सबसे प्रथम हमारे शहर में चैन अमन बना रहे, इसके लिए हमारे शांति इस मीटिंग की। कितना सेटिस्फाई है जो आज मीटिंग हुई है उसको लेकर, कितना संतोष है? संतोष तो ये पहली बात तो मैं प्रशंसा करता हूँ डीसी साहब की कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, और उनको भी चिंता है कि जो नूह में आग लगी है वो फरीदाबाद में ना लगे, उसके लिए उन्होंने बुलाया। तो रोष है हमारे हिंदू समुदाय के युवाओं में, तो हमने उनको बताया कि दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, तो वो जहाँ पे उस तरह से जो उपद्रवी थे वो उनकी कोई जाति नहीं होती, युवा लड़के थे, मुस्लिम समुदाय से थे, तो हमने कहा कि हम तो समझाएंगे आपके कहने पे, हम मंदिर से समझाएंगे, मस्जिद से मौलाना भी आए थे, सिख भाई भी आए थे, क्रिश्चियंस भी आए थे, कि अपने अपने लोगों को समझाएं। लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही कि गुस्सा है, अगर आप अपना काम दुरुस्त कर लेंगे कि जिन्होंने ये उपद्रव किया है उनको रगड़ा जाए, उनको बख्शा ना जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और उनको पता लग जाए कि हम इस तरह गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है, तो हमारे जो युवा पीढ़ी अपने आप शांत हो जाएगी। फिर भी हम गारंटी लेते हैं कि हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि जो वीडियोज ऐसी आ रही हैं वायरल होती, उनको डिलीट किया जाए, और बेटा प्रशासन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, हम जो जिम्मेवार लोग हैं अपना काम करेंगे। क्या नाम आपका और कहां से? मैं इमाम मस्जिद दिल्लीवाली मौलाना अशरफ अली भटकल फरीदाबाद। क्या मीटिंग हुई आज, कितना क्या कुछ निष्कर्ष निकला? हमने मीटिंग में अपनी बात रखी थी, हम अमन अमन भाव चाहे बना के रखेंगे, और किसी तरह भी हम फरीदाबाद के अमन को खराब नहीं होने देंगे, नौजवान तबके को संभाल के रखेंगे, अपने आवाम को भी आगाह करेंगे कि किसी तरह भी हमारे फरीदाबाद का अमन भाईचारे खत्म नहीं होने चाहिए और अमन कायम रहना चाहिए। हमारे भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब हमारी जैसे अब तक चली आई है ऐसे ही रहनी चाहिए। डीसी साहब से क्या जो घटना हुई थी उसको लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो स्वराज्य तबका है, जो स्वराज्य तबका है वो कोई भी हो, किसी समाज से हो, वही जिम्मेदार है, और जो जिसने स्वराज की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। जैसी हिंसा नूह में हुई है वैसी हिंसा फरीदाबाद में ना हो, इसके लिए फरीदाबाद डीसी ने भी एक बैठक आयोजन की है। बैठक में तमाम समूहों के लोग एकत्रित किए गए हैं जिनसे यह सुझाव भी लिए हैं और कुछ सुझाव दिए हैं कि फरीदाबाद में भाईचारा बना रहे, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। अभी आपने सुना कि किस तरह से दोनों समूह के लोगों ने बताया कि यह सभी शरारती तत्वों का काम है, लेकिन फरीदाबाद में भाईचारा काफ़ी मजबूत है, यहाँ इस तरह की हिंसा नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरी मजबूती के साथ पुलिस बल जगह जगह
जगह पे तैनात कर दिया गया है। फरीदाबाद की तमाम खबरों और सूचनाओं के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।